ये क्या कह रही हो तुम? दादू, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन कोई मेरे किरदार पे कीचड़ उछाले ये बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। और फिर उसकी उस बात के बाद ये परेशानी में थी, इतनी अजियत में थी, मुझसे मेरा पेपर तक ठीक से नहीं दिया गया। दादी, जुनेद मेरा भाई है, बिल्कुल बिल्कुल मेरे अपने भाई की तरह है वो। उसके बारे में वो ये सब सोच भी कैसे सकती है? परेशान मत हो बेटा, अल्लाह पे छोड़ो, वो करेगा इंसाफ, फिक्र मत करो। पता नहीं क्या होगा, वो जानबूझ के जावेर को मुझसे दूर करना चाहती है। वो किसी भी हद तक जा सकती है, वो जावेर को मुझसे बदजन करना चाहती है, और अपने मकसद में कामयाब होने के लिए बहुत खतरनाक हथकंडे आजमा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो जावेर को मुझसे दूर कर देगी, और फिर जावेर ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया तो? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे जीते जी जावेर ऐसा कुछ नहीं कर सकता, और ये तानिया हरगिज अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी। तुम फिक्र नहीं करो, इसका मकरूह चेहरा मैं सबको दिखाऊंगी, धक्के मारकर निकालूंगी इसे इस घर से। अरे, ये आप कैसे बात कर रही हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी दादी से इस तरह बात करने की? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में खड़े होकर मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करने की? मैं चाहूं तो अभी मुलाजमों को बुलाकर आप लोगों को धक्के देके घर से बाहर निकलवा सकती हूँ। आप जैसी औरत से और उम्मीद की भी क्या जा सकती है? आपने ना नायाब को लावारिस और यतीम समझा हुआ है, लेकिन आप भूल रही हैं उसके साथ हम हैं। अब ना उसके साथ ज्यादती होने देंगे ना खुद के साथ। अरे, ये कैसी सी आवाज आ रही है? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? वाह, क्या बात है, देख रही हो तानिया, इतना कंसर्न, इतनी केयर ना है आपके लिए। ये अचानक सब कुछ कैसे हुआ, जान सकती हूँ? तुम लोगों को तो शुक्र अदा करना चाहिए, तुम्हारी जाहिल और गंवार लड़की को हमने इस घर में रहने की जगह दे रखी है। जगह? एक सेकंड, जगह किसको जगह दी हुई है भाई? क्या बात कर रही हैं आप? अरे, वो इस घर की बड़ी बहू है, बड़ी बहू। इस घर की मालकिन ने कोई एहसान नहीं करी आप उसको यहाँ रख के? क्या बातें कर रही हैं ये? इनका दिया खाती हूँ जो इतनी बातें सुनूं इनकी खड़े होके। भाभी प्लीज खामोश हो जाएं। क्यों खामोश हूँ भाई? तुम्हें खामोश रहने का शौक है, तुम खामोश रहो। मेरी नेचर में नहीं है इतनी बातें सुनना। यहाँ पे खाम खा पे तमाशा लग जाएगा। आप लोग प्लीज दादी, आप इन्हें लेके घर जाएं, मैं घर आके आपको बताती हूँ सब कुछ। अरे, हम क्यों जाएं? आज तो जावेर से दो टोक बात होके रहेगी। बुलाओ इसको, कॉल करो, मैसेज करो, जो भी करो, बुलाओ इसे हमसे बात करे। और दादी, आप क्या बुत बन के खड़ी हुई है, कुछ पूछती क्यों नहीं है? क्यों कर रहे हैं हमारे साथ इतनी ज्यादती? नया, तुम्हें दूसरे कमरे में क्यों शिफ्ट कर दिया? दादी, भाभी, मैं आपको सारी बातें समझाती हूँ, आप चले मेरे कमरे में। यहाँ नहीं जाएंगे ये लोग अंदर। ले, सुन ले, करा ली अपनी इज्जत। अरे, आप पूछती क्यों नहीं है इनसे, क्यों कर रहे हैं हमसे इतनी बदतमीजी? हम अपने नवासे को नहीं मिल सकते क्या? नहीं मिल सकते। कितनी बार कहूं कि आप लोगों के यहाँ आने की जरूरत भी नहीं थी, आप चली क्यों नहीं जाती हैं? क्या कर रही हैं आपकी अम्मा, कैसे हमारी दादी के पास आने की? निगार, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने यहाँ पर? चली जाओ यहाँ से। लेट्स गो तानिया, इनफ। प्रोफेसर, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? याद के पड़े मुक्के पड़े, आप पूछ रही ये क्या हो रहा है? बहुत अच्छे दादी, आपको बहुत शौक है बेइज्जती कराने का, आप करें, मैं जा रही हूँ यहाँ से। भाभी प्लीज रुक जाए, अब तो दादू भी आ गए, आराम से बैठ के बात करते हैं। क्या बात करनी है? मैं इसके बाप का दिया खाती हूँ जितनी बातें सुनूं यहाँ पे। तुम्हारे मुंह को मेरे लिहाज किया है, वरना जितनी बातें इसने मुझे सुनाई ना, मैं तो इसका मुंह नोच लेती। तो मैं मुबारक हो ये सारे महल हम पास आए। मैं जावेर से बात करूंगी ना। तुमने क्या जावेर से बात करनी है? तुम्हें समझता ही क्या है, वो तुम्हारी औकात ही क्या है उसकी नजर में? ओ हेलो मैडम, अरे बात सुने, ये तोहफे भी रख लेना, मुलाजमों को दे देना, छठी जिले में काम आएंगे। आप चल रही
सॉरी।